साथ ही इसी मंदिर के पास बल्लड़ के पिता के द्वारा फेंकी गई हुई प्रतिमा ढूंढी विनायक के नाम से अभी भी वहाँ पे मौजूद है। हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं हूं मनीष पाने एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल रॉस्ट रिजर्व। तो दोस्तों, थंबनेल और टाइटल आपने देखा रहेगा, तो आज हम जाने वाले हैं देवकुंड वाटरफॉल। और ये काफी फेमस वाटरफॉल है, आपने देखा ही रहेगा इंस्टा रील्स पे या फिर यूट्यूब शॉर्ट्स पे, ये काफी वायरल होते जा रहे हैं। तो मैंने भी सोचा कि आपके लिए एक देवकुंड वाटरफॉल का मस्त एक एपिसोड लेके आता हूँ, एक लॉग लेके आता हूँ, और आप भी एंजॉय कर सकेंगे। और अगर आप देवकुंड वाटरफॉल जाने का प्लान कर रहे होंगे तो आपको कैसे पहुँचना है, उधर जाके एंट्री फीस कितनी है और सारी चीजें आपको डिटेल में मैं समझाने वाला हूँ। तो अब भी देखो मैं कौन से लोकेशन पे खड़ा हूँ। पीछे आप देख सकते हो ये पूरे पहाड़ी एरिया है और वहाँ पे अपना रॉकी खड़ा है और साथ में मेरे आज वाइफ आई है एज अ पार्टनर। तो आज दोनों भी एंजॉय करेंगे, काफी मजा आने वाला है इस पूरे एपिसोड में। और अभी मैं फिलहाल आया हूँ कर्जत के थोड़े से आगे और यहाँ से सीधा रूट जाता है खोपोली की तरफ। और अगर आप यहाँ से जाओगे तो सीधा कर्जत की ओर जाओगे। तो अभी हम खोपोली की तरफ जाने वाले हैं और फिर वहां से पहला पाली जाएंगे, क्योंकि पाली में है अपने प्यारे गणपति बाप्पा बल्लाळेश्वर। तो उनका दर्शन करके फिर बाद में अपने राइड की शुरुआत कंटिन्यू करेंगे। तो आज मैं थोड़ा मोटोलॉगिंग ज्यादा नहीं कर सकता क्योंकि आपको पता चल गया रहेगा कि मेरा मोबाइल का इशू हुआ है, मतलब जो मेरा अच्छा मोबाइल था न्यू वाला, वो तो व्लॉगिंग करते समय भीवपुरी वाटरफॉल में गिर गया। तो उसके वजह से फिर बाद में मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश की, गाँव वाले लोगों को भी बताया, उन्होंने भी बहुत कोशिश की, पर मोबाइल हमें मिला ही नहीं। तो बाद में मैंने छोड़ दिया उसके होप्स भी और फिर यही अपने पुराने मोबाइल पे मैं मोटोलॉगिंग शूट कर रहा हूँ अभी। तो आप भी थोड़ा सा मुझे समझ के लेना और उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे ऐसा ही प्यार देते रहोगे। तो प्लीज़ अगर अभी भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर लेना, काफ़ी सपोर्ट मिलेगा मुझे भी। और ऐसे ही आपको मैं नए नए व्लॉग्स लेके आने वाला हूँ, भले ही मेरा मोबाइल ये पुराना है और जितनी अच्छी वीडियो और ऑडियो क्वालिटी कर सकता हूँ उतना मैं ट्राई अपनी तरफ से ज़रूर करूँगा। और तो चलिए अभी निकलते हैं सीधा पाली की तरफ और फिर बाप्पा का दर्शन करके आगे चलते हैं देवकुंड वाटरफॉल। श्री क्षेत्र बल्लाळेश्वर महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के पाली गांव में भगवान गणेश का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है और ये भी अष्टविनायक शक्तिपीठों में से एक है। इस मंदिर के बारे में ये एक खास बात है कि ये एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ गणेश जी को उनके भक्त के नाम से जाना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार पाली गांव में कल्याण और इंदुमती नाम के एक सेठ दंपति रहते थे। उनका बल्ला नाम का इकलौता पुत्र था जो कि गणेश का परम भक्त था। उसकी भक्ति से सेठ बिल्कुल भी खुश नहीं थे क्योंकि भक्ति में मग्न उनका बेटा व्यवसाय में कोई विशेष रुचि नहीं लेता था। वह अपने दोस्तों से भी गणपति की भक्ति के लिए कहता। इस बात से परेशान दोस्तों के माता पिता ने सेठ से शिकायत की और उन्होंने उसे रोकने के लिए कहा। इस पर कल्याण सेठ गुस्से में बल्लाळ को ढूंढने के लिए निकले तो वह जंगल में गणेश जी की आराधना करते हुए मिले। उन्होंने उसे खूब पीटा और गणेश जी की प्रतिमा खंडित करते हुए दूर तालाब में फेंक दी। इसके बाद उसे वही जंगल में एक वृक्ष से बांधकर ये कर छोड़ गए कि भूखे पैसे रहकर उसकी अकल ठिकाने आ जाएगी। सेठ के जाने के बाद बल्लाळ की भक्ति देख के श्री गणेश उस पे प्रसन्न हुए और उन्होंने समक्ष ब्राह्मण के वेश में प्रकट हुए और उन्होंने उनको बंधन से मुक्त करवा दिया और वर मांगने को कहा। इस पर बल्लाळ ने उनसे अपने क्षेत्र में स्थापित होने का अनुरोध किया। श्री गणेश ने उनकी इच्छा पूरी करते हुए स्वयं को एक पाषाण प्रतिमा में स्थापित कर लिया और तब उस स्थान पर बल्लाळ विनायक मंदिर बनाया गया। और साथ ही इसी मंदिर के पास बल्लाळ के पिता के द्वारा फेंकी गई हुई प्रतिमा ढूंढी विनायक के नाम से अभी भी वहाँ पे मौजूद है। आज भी लोग बल्लाळेश्वर के दर्शन के पहले ढूंढी विनायक की पूजा करते हैं और फिर बल्लाळेश्वर का दर्शन लेते हैं। तो अभी हम जस्ट बल्लाळेश्वर मंदिर के यहाँ पे पहुंच चुके हैं और पीछे आप देख सकते हो वहाँ पे है बल्लाळेश्वर का मंदिर और यहाँ पे एक छोटी सी पार्किंग की जगह है।
तो यहाँ पे कुछ पार्किंग की फीस वगैरह तो अभी तक नहीं ली है, तो अभी पता नहीं पार्किंग की फीस वगैरह लेते हैं या नहीं, पर यहाँ पे आप गाड़ी आराम से पार्क कर सकते हो, फोर व्हीलर अंदर ला सकते हो, ये इतना पता नहीं है, श्योर नहीं है, पर बाहर आप फोर व्हीलर पार्क करके यहाँ पे आ सकते हो जरूर, और टू व्हीलर सीधा अंदर आ सकते हैं, तो यहाँ पे कोई इश्यू नहीं है। तो चलिए अभी बापा का दर्शन करते हैं। और ये देखो दोस्तों, आपको सामने हार नारियल जो भी खरीदना हो यहाँ से खरीद कर आप अंदर जा सकते हो मंदिर की ओर। और ये देखो सामने बल्लाळेश्वर देवस्थान पाली का प्रवेश द्वार, यहाँ से हार नारियल खरीदते हैं। चप्पल काढून देतो। और ये रहा बाप्पा का भव्य मंदिर, और यहाँ से अंदर एंट्री है। पिछले टाइम भी मैं यहाँ पे आया था, एक साल पहले शायद मैं अगस्त मंथ में आया था, और आज जुलाई में आया हूँ। और यहाँ से अंदर एंट्री है मंदिर के लिए, और अंदर शायद कैमरा वगैरह अलाउ नहीं रहेगा, तो मैं यहाँ से ही वीडियो शूटिंग बंद कर लेता हूँ। मंदिर के पिछले साइड ये बड़ा सा तालाब है, और यहाँ पे स्विमिंग वगैरह की जाती है, काफी सारे बच्चे लोग यहाँ पे स्विम करते हैं, जैसे कि आप ये सामने देख सकते हो। और यहाँ पे है बल्लाळेश्वर का कार्यालय, यहाँ से आप फर्स्ट मंजिल पे जाओगे तो कार्यालय है, और दूसरे मंजिल पे सभागृह है, और यहाँ पे रहने के लिए भी सुविधा है। और अगर आप यहाँ पे आते हो तो भक्त निवास क्रमांक 2 है, और यहाँ पे टॉयलेट है, स्वच्छता गृह, हाथ धोने के लिए भी जगह है, और यहाँ पे भी आप पूछताछ वगैरह कर सकते हो अगर आपको यहाँ पे आके रहना है। और यहाँ पे आज कुछ तो छोटा सा फंक्शन रखा हुआ है, वृक्षारोपण कार्यक्रम, तो उसकी तैयारी यहाँ पे अभी चालू है। भक्त निवास से ये व्यू देखो, कितना ऊंचा पहाड़ दिख रहा है देखो। और यहाँ पे आपको सामने मिलेंगे भोजन के लिए कूपन्स, यहाँ पे आप लेके जा सकते हो, और आपको अगर घर पे लेके जाने के लिए लाडू प्रसाद वगैरह चाहिए तो भी यहाँ से ले सकते हो। और वहाँ पे देखो सामने आपको दिख रहा होगा प्रसाद भोजनालय कड़े, तो वो वाला रास्ता जाता है भोजनालय के लिए। ये देखो दोस्तों सामने है प्रसादालय, श्री बल्लाळेश्वर देवस्थान पाली प्रसादालय, सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर को 2:30 बजे तक ये चालू रहता है। जाते समय हमने ये मंदिर नहीं देखा था, श्री धुंडी विनायक जिनका ये मंदिर है, और परंपरेनुसार प्रथम श्री धुंडी विनायक यांचे दर्शन घेतात, तो यहाँ पे है धुंडी विनायक जी का मंदिर। अभी हमने जस्ट धुंडी विनायक और बल्लाळेश्वर बाप्पा का दर्शन दिया, काफी मजा आया। आपको भोजन की जो थाली है वो आपको 20 रुपए में मिल जाएगी, और अगर आपको यहाँ पे रहना है तो आपको 2 जन का 600 रुपीज भरना पड़ेगा, और आप भक्त निवास में रह सकते हो बिंदास। और अगर आप 4 लोग हो तो शायद 800 रुपया लिया जाता है, और अगर आप
पांच छह लोग हो तो पांच बेड की व्यवस्था की जाती है और उसमें आपका 1000 रुपीज मतलब 1000 रुपीज लिया जाता है और पांच जन की सुविधा भी उसमें हो जाती है। तो काफ़ी अच्छा है ये मंदिर। और अगर आप भी यहाँ पे आना चाहते हो तो मैं आपको एक रूट बता देता हूँ। और अगर आपको यहाँ पे आना है तो आप पहले खोपोली रेलवे स्टेशन उतरो और खोपोली से फिर पाली के लिए बसेस निकलती है, वो सीधा आपको पाली मंदिर के पास में ही आपको बस छोड़ देगी, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली आ सकते हो। अभी अपने अगले डेस्टिनेशन की तरफ चलते हैं, देवकुंड वाटरफॉल। चलिए खत्म करते हैं, क्योंकि अगर मैं ये लॉक कंटिन्यू करते रहूँ देवकुंड तक तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। और आपको पाली का गल्ला इस बार कैसे लगा और ये पूरा लॉक कैसे लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आने वाले नेक्स्ट कमरे में से अब तक के लिए गुड बाय एंड जैसे थोड़ा ज़्यादा एडवेंचर चाहिए वाला।